Hey, what's up? Welcome back to my channel. तो यार आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू चूज़ स्पेसिफिक फॉन्ट्स फॉर योर जी एफ एक्स डिज़ाइनिंग। यानी कि यार आप एंड्रॉयड जी एफ एक्स डिज़ाइनर हो तो आपको फॉन्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। मुझे कमेंट आए थे आपके कि भाई वीडियो बनाओ कि आप फॉन्ट बहुत अच्छे चूज़ कर लेते हो, कैसे करते हो। तो यार ये वीडियो उस पर ही है। और आप अपना थंबनेल बनाना चाहते हो, बैनर बनाना चाहते हो, लोगो, इंट्रो, तो हर किसी GFX डिज़ाइनिंग में आपको फॉन्ट चूज़ करना ही पड़ेगा। और वो फॉन्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि उस GFX डिज़ाइनिंग के साथ वो सुटेबल रहे और उसको देखने में अच्छा लगे जो भी इसको देख रहा है। जैसे थंबनेल बनाएंगे तो उसमें फॉन्ट अच्छा होगा तो वो अट्रैक्टिव होगा और लोग अट्रैक्ट होंगे और व्यूज़ आपको मिलेंगे। तो यार सबसे पहले मैं बात बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया तो दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं नई वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ और आपको यूज़फुल रहेगा। सबसे पहले तो शाउट आउट टू गेमिंग विद हर्ष कि आपने कमेंट किया, और आपके कमेंट करने में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हाउ टू चूज़ फॉन्ट्स ऑन पिक्सेलैब, और पिक्सेलैब की सब टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगा आपको। तो यार जल्दी से टाइम वेस्ट करे बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले तो एंड्रॉयड में फॉन्ट बनाने के लिए मुझे परफेक्ट ऐप जो लगता है वो है पिक्सेलैब, जो कि आपको एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में फ्री में मिल जाएगा। आईओएस का मुझे पता नहीं, एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में फ्री मिल जाएगा, क्योंकि वो बेस्ट ही लगता है मुझे, और उस पर सारे फॉन्ट्स जो है बिल्कुल बढ़िया काम कर जाते हैं। और सेकेंड बात ये है कि आपके पास, अगर आप GFX डिज़ाइनर हैं तो आपके पास लगभग 100 से ऊपर फॉन्ट्स होने चाहिए और लेटेस्ट फॉन्ट होने चाहिए। और अगर अभी आपको बता दूं कि लेटेस्ट फॉन्ट लेने के लिए आप वीकली डा फॉन्ट पे जाइए, thefont.com ये वाली वेबसाइट है, और इसके ऊपर लेटेस्ट फॉन्ट देखिए और आपको जोन से भी अच्छा लगे उसको डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे आपकी फॉन्ट डायरेक्टरी बढ़ती जाएगी। फॉन्ट इतने बड़े नहीं होते हैं, लगभग 500 KB के होते हैं, और इतने ज़्यादा आपको स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होगी। मेरे पास लगभग 500 के ऊपर फॉन्ट्स पड़े हैं। अगर आपको पैक चाहिए तो जल्दी से 500 सब्सक्राइबर कर दीजिएगा। 500 सब्सक्राइबर्स पे मैं आपको एक फॉन्ट पैक ला दूंगा। तो यार ये तो होगी दूसरी बात। तीसरी बात ये हो गई कि आपको फॉन्ट्स की टाइप्स पता होनी चाहिए। तो यार फॉन्ट कम्युनिटी में चार टाइप्स के फॉन्ट होते हैं। एक होते हैं मॉडर्न, एक होते हैं कैलीग्राफी, एक होते हैं एशियंट, और एक होते हैं लाइट फॉन्ट्स। तो आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। मॉडर्न फॉन्ट्स जो होते हैं वो होते हैं कुछ ऐसे। तो मॉडर्न फॉन्ट्स होते हैं हेविटस, अमेरिकन कैप्टन, इवोग्रिया और बिग नूडल जैसे, ऐसे टाइप के फॉन्ट्स को हम कहते हैं मॉडर्न फॉन्ट्स। तो ये फॉन्ट ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम थंबनेल में और बैनर्स में, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे कैलीग्राफी फॉन्ट्स पे। तो कैलीग्राफी फॉन्ट्स में आ जाते हैं हमारे सॉ, अलोन, द बुली, अगेंस्ट और सफिंग कैपिटल। तो ऐसे फॉन्ट्स जो यूज़ होते हैं वो होते हैं आर्ट वर्क्स में, और या तो जैसे आपने कोई पैक रिलीज़ किया तो उसके थंबनेल में आप कैलीग्राफी यूज़ कर सकते हो, और आप अपने बैनर पे भी कैलीग्राफी यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कोई वाटरमार्क, जैसे आपने कोई फ़ोटो एडिट करी उस पर आप वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो वो कैलीग्राफी फॉन्ट में लगता है। और ये फॉन्ट्स थोड़े आर्टिस्टिक होते हैं तो आर्टवर्क में ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं हमने एशियन फॉन्ट्स पे। तो एशियन फॉन्ट्स में आते हैं वर्मिन, वाइब्स, कार्निवल, असासिन्स और मोनोफेसियर जैसे फॉन्ट्स। ऐसे फॉन्ट्स हम यूज़ करते हैं कुछ आर्टिस्टिक वर्क में, ये भी आर्टिस्टिक वर्क में यूज़ होते हैं, और ये ज़्यादा बैनर वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं। थंबनेल में ये ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते, बैनर में ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। बैनर, ट्विटर हेडर, इंस्टाग्राम जो भी कहते हैं उसको मुझे पता नहीं है, फेसबुक बैनर, यूट्यूब बैनर, ऐसे बनाने में ये फॉन्ट्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और गेम प्रोडक्शन में आपको ज़्यादातर देखा होगा कि यहाँ पे असासिन वाला फॉन्ट भी था और यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर 4 वाला फॉन्ट भी था, तो ऐसे फॉन्ट्स वहाँ पे यूज़ होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने लाइट फॉन्ट्स पे। लाइट फॉन्ट्स में होते हैं हमारे कोड लाइट, पोट्रा और FTU नोवा बोल्ड। तो ये फॉन्ट थोड़ा अजीब था, और ऐसे फॉन्ट्स हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोअर थर्ड्स में या टाइटल्स में अपने, जैसे आपने देखा होगा कि हम बैनर पहले बनाते हैं तो बोल्ड थोड़े ब्रॉड फॉन्ट से हम अपना मेन लाइन लिखते हैं। जैसे मैं बैनर बनाऊंगा तो मेन फॉन्ट से मैं लिखूंगा एमलेट, और नीचे हम लिखते हैं जैसे इंस्टाग्राम का एंगल लगा के जो फॉलो मी लिखना है वो हम लाइट फॉन्ट से लिखेंगे, क्योंकि अगर हम उसे भी ब्रॉड फॉन्ट से लिखेंगे ना तो पूरा बैनर भरा भरा लगेगा और वो कुछ ऐसे आर्टिस्टिक ज़्यादा लगेगा नहीं। तो ये फॉन्ट्स उसमें यूज होते हैं। तो ये तो होगी फॉन्ट्स की चार वेराइटीज़।
अब मैं आपको बताता हूँ कि यार जब आप कोई भी GFX बनाने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या माइंडसेट होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप गेमिंग बनाना चाहते हैं तो आप थोड़े से ब्रॉड फॉन्ट यूज़ करिए। जैसे मैंने थंबनेल अपने थंबनेल से मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने अलग अलग वीडियो के थंबनेल में जो फॉन्ट यूज़ करता हूँ वो मैंने कैसे चूज़ करें। तो जैसे कि आप ये थंबनेल ट्यूटोरियल वाला थंबनेल देख सकते हैं कि इस पे मैंने ब्रॉड फॉन्ट्स यूज़ करे हैं, जो कि है हेडलाइनर नंबर 45 फॉन्ट और एक कैलीग्राफी वाला फॉन्ट है। तो अगर आपने अपने थंबनेल को बैकग्राउंड को ज़्यादा रिप्रेजेंट करना है तो आप थिन फॉन्ट यूज़ करिए, यानी लाइट फॉन्ट्स या कैलीग्राफी फॉन्ट्स यूज़ करिए। मैंने यहाँ पे पूरा थंबनेल ही रिप्रेजेंट करा है तो मैंने ब्रॉड फॉन्ट यूज़ करे हैं। और एक और थंबनेल है मेरा, मैं उस पर आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। तो यार ये थंबनेल था थोड़ा सा काइन मास्टर का। तो इस थंबनेल में मैंने काइन मास्टर को रिप्रेजेंट करना था, यानी मैंने अपने बैकग्राउंड को ज़्यादा दिखाना था, इसलिए मैंने थोड़े थिन फॉन्ट्स यूज़ करे हैं। इसमें हैविटस और कांजी पा दो फॉन्ट्स मैंने यहाँ पे यूज़ करे ताकि मेरा जो काइन मास्टर है वो दिख जाए और जो व्यूअर है जिसने वीडियो देखने उसको पता लग जाए कि ये काइन मास्टर ट्यूटोरियल है। तो आपने ऐसे ध्यान रखना है कि अगर आपने अपना बैकग्राउंड इल्यूमिनेट करना है तो आप थोड़े थिन फॉन्ट्स यूज़ करें। और अगर आपने बिल्कुल ही गेमिंग थंबनेल बनाना है, जैसे कि आप बना सकते हैं पबजी नोस्कोप या पबजी मॉन्टाज, तो आप पबजी मॉन्टाज बड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने उसमें भी थंबनेल बनाया है एक पबजी मॉन्टाज, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो जो ये वाला थंबनेल है, ये एक थंबनेल आता है गेमिंग कैटेगरी में। इसमें मैंने ज़्यादा बैकग्राउंड को नहीं दिखाना था, इसमें मैंने अपने टेक्स्ट को ज़्यादा दिखाना था, जो कि है कार 98 ब्यूटी। तो मैंने ब्रॉड फॉन्ट यूज़ करे हैं, हैविटस ये दोनों, एक बोल्ड हैविटस है और सिंपल हैविटस है। तो आपने ऐसे ध्यान रखना है कि अगर आपने अपने बैकग्राउंड को दिखाना है तो आपने पतले फॉन्ट यूज़ करने हैं, और आपने बैकग्राउंड को नहीं दिखाना है तो आप बोल्ड फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं और अपने बैकग्राउंड में कोई भी गेम का वॉलपेपर या कुछ भी लगा सकते हैं। और अगर आपको और भी चाहिए एग्जांपल में तो मैं वो भी दे देता हूँ आपको एग्जांपल एक और। तो ये जो थंबनेल है ये है मेरा पैक का थंबनेल। तो मैंने जिसको जैसे आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने कोई पैक वगैरह रिलीज़ करना है तो कैलीग्राफी फॉन्ट्स आप यूज़ करें। इसमें मैंने दोनों बर्न भी और पैक भी कैलीग्राफी फॉन्ट में यूज़ करे हैं, जो कि बहुत ही सूट करते हैं ऐसे थंबनेल्स को। और एक और थंबनेल था वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो ये थंबनेल देखिए, ये ना ही गेमिंग है और ये ना ही कोई पैक वगैरह का थंबनेल है। इसमें मैंने अपना ओवरले रिप्रेजेंट करना था, इसलिए इसमें ना ही बैकग्राउंड मायने रखता था और ना ही टेक्स्ट मायने रखता था, क्योंकि ओवरले अरे यार ये नोटिफिकेशन बार बार आती, तो ना ही बैकग्राउंड मायने रखता था और ना ही टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं ब्रॉड टेक्स्ट भी यूज़ कर सकता था, कैलीग्राफी एशियन कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ होता था, क्योंकि यहाँ पे जगह ही जगह थी मेरे पास, क्योंकि सिर्फ ओवरले रिप्रेजेंट मैंने ऊपर करना था, नीचे मैंने कुछ नहीं करना था, इसलिए मैंने हैवी टस और एक कैलीग्राफी यूज़ करा इसमें और कुछ नहीं करा। तो आपने जब आप थंबनेल क्रिएट करते हैं तो आपने दिमाग में ले लेना है कि आप कौन सा क्या कर रहे हैं। अरे देखो मर गया मर गया, देख लो गिली सूट वाले से। तो आपने क्या ये करना है कि आप गेमिंग बना रहे हो, कौन सा बना रहे हो। तो बस यही था। तो यार सीधी बात बोलूँ कि यार थंबनेल या कुछ भी GFX डिज़ाइनिंग करना इतना भी मुश्किल नहीं है यार। मैं जब थंबनेल बनाने बैठता हूँ ना, मैं सोचता भी नहीं कि मैंने कैसे बनाना है, मैं बस पिक्सेलैब खोलता हूँ और लग जाता हूँ और बस अपने आप ही बन जाता है। आप भी ऐसे मतलब सोच के कुछ नहीं होगा, आप करके देखो, पिक्सेलैब को मास्टर करो पहले, फिर आप पिक्सेलैब में मास्टर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, बिल्कुल सब कुछ सामने दिख रखा है वहाँ पे। पर पिक्सेलैब एक ऐप है जो कि पूरी तरह से डेवलप नहीं करा डेवलपर की तरफ से, और वो प्ले स्टोर पे इसीलिए नहीं है, और उसमें बहुत क्रैश भी है, बग्स भी हैं। तो आपको वो मास्टर करना पड़ेगा पिक्सेलैब, और अगर आपने वो मास्टर करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, क्योंकि पिक्सेलैब के आगे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आने जा रहे हैं। तो यार आज की ये वीडियो थी। अगर आपको मेरा फॉन्ट पैक चाहिए स्पेशल तो यार जल्दी जल्दी 500 सब्स कर दो, 500 सब्स होते ही मैं फॉन्ट पैक रिलीज़ कर दूंगा। अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ कंप्लेंट है मेरे से या मुझे गाली वाली देनी है तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं बिल्कुल आराम से, और मेरे सोशल मीडिया पर भी मेरे को कंटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो। और अब आपका भाई ट्विटर पे भी आ गया तो ट्विटर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे हम मीम्स वगैरह शेयर करेंगे और अपनी GFX डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हम शेयर करेंगे वहाँ पे। मैं बिल्कुल टाइम पास करने के लिए बनाता रहता हूँ पिक्सेलैब में, तो अपने वो भी देख लेना है। और इस वीडियो के बाद अगर आपका थोड़ा GFX डिजाइनिंग का फॉन्ट का थोड़ा नॉलेज बढ़ा हो और उससे आपने कोई थंबनेल वगैरह बनाया हो तो सेंड मी करना, मुझे जरूर सेंड करना इंस्टाग्राम पे, ताकि मैं आपकी क्रिएटिविटी देख सकूं। और अगर जो अगर मुझे अच्छे लगे तो उनमें से मैं कुछ अपने वीडियो में रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो यार थैंक यू फॉर द सपोर्ट, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं,
ऐसे ही लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहना। तो बाय। अरे मैं बहुत हल्की सी बाय करता ना, तो आज मैं बोलूँगा, क्या बोलूँगा, सो आई एम लेट साइनिंग आउट।